हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो पूरा का पूरा एक सीरीज चल रही है XUV700 के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं। सो XUV700 का जो आज वाला टॉपिक है वो है उसका म्यूजिक सिस्टम। सो इस गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है वो सोनी इमर्सिव 3D साउंड है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो 12 स्पीकर्स गाड़ी के अंदर लग रखे हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, व्लॉग को लास्ट तक देखिए और आपके आस पड़ोस में जो भी महिंद्रा का आउटलेट है वहां पर जाइए, उस साउंड को एक्सप्लोर कीजिए। सो, अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आप ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा करके प्रताप नगर में डीलरशिप है, वहां पर आइए। वहां पर मैं SUV एक्सपर्ट हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको महिंद्रा की हर गाड़ी का एक परफेक्ट है ना एक्सपीरियंस दूं। सो गाइस, इस वक्त मैं हूं AX7L वेरिएंट के अंदर। ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट और जो लोअर वेरिएंट आएंगे उसके अंदर 6 स्पीकर आएंगे और जो अपर वेरिएंट आएगा उसके अंदर 12 स्पीकर्स आएंगे। सारे के सारे सोनी के स्पीकर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर 445 वॉट के स्पीकर हैं जो कि 12 चैनल DSP एम्पलीफायर है जिससे कनेक्टेड है। 12 स्पीकर स्टीरियो सिस्टम है और ये बिल्डिंग साउंड बिल्डिंग ब्लॉक करके एक टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड है। तो अब एक काम करते हैं, मैंने मेरा फोन तो पहले से ही कनेक्ट कर रखा है, सो मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, और मैं प्ले करता हूँ। वेट, मैं प्ले करता हूँ YouTube से म्यूजिक, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, ठीक है। तो मैं एक रैंडम म्यूजिक उठा रहा हूँ, ठीक है, एक रैंडम म्यूजिक। हालांकि फर्क क्या होगा कि YouTube की तरफ से जो म्यूजिक होता है ना वो और ज्यादा एनहांस हो सकता है, पर जो भी है हम इसी से कोशिश करते हैं हमारी स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने म्यूजिक ऑन, और हालांकि मेरा फोन वायरलेस नहीं है, इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग बनाएंगे। सबसे पहला हम क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर जो स्पीकर्स लग रखे हैं उनके बारे में मैं आपको बताने से पहले, अब धीरे धीरे ना मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ तो आपके आपको साउंड का पता चलता रहे कि वो कैसे साउंड है ना फील हो रहा है धीरे धीरे। वन सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वॉल्यूम है आप एक तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो जो आपके पास में है, यहाँ से स्टेयरिंग के ऊपर माउंट जो कंट्रोल्स है वहाँ से, सेम टाइम जो इंटेली कंट्रोलर आप इससे भी चेंज कर सकते हो। तो आप देखो होता है ना और ज़्यादा ईजी। तो आप आवाज़ सुनते हैं, सबसे अच्छा मुझे इस पूरे साउंड में जो चीज़ लगी है ना वो ये लगी है कि बिल्कुल भी आवाज़ फटती नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेसिकली ये जो स्पीकर्स हैं इनके कहाँ पर है पूरी गाड़ी के अंदर। वन सेम टाइम पर मैंने एक चीज़ और एक्सप्लोर करी कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो 3D इज़ फन, मगर जब आप सेंटर में बैठे हैं ना गाड़ी के तो वो नेक्स्ट लेवल फील हो रहा है इस पूरे म्यूजिक का। सबसे पहले दो ट्विटर लग रखे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, इस पे सोनी की बैजिंग है। उसके बाद में एक जो स्पीकर है वो लग रखा है फ्रंट के अंदर जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर की तरफ, यहाँ पे सेम टाइम पर स्पीकर लग रखा है यहाँ पे जो आगे वाला ऊपर वाला रूफ है यहाँ पे, और एक स्पीकर लग रखा है यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद में जो डोर्स है इसके अंदर हो गए 4 स्पीकर्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सेम टाइम पर एक यहाँ पे और ऐसा का ऐसा आगे की तरफ,
यहाँ पे। तो ये हो गए कुल मिला के 11। एंड जो 12th वाला है वो है गाड़ी के, मैं एक काम करता हूँ मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइट स्पेस में पार्क्ड है व्हीकल। और जो लास्ट है वो है इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह दिख रहा होगा। सो ये पूरे के पूरे मिलाकर 12 हो रहे हैं। और अब मैं आपको रियर जो सीट है ये देखो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं आपको, ये पीछे की तरफ हो गए और ऐसा का ऐसा इधर की तरफ हो गया। तो अब मैं पीछे वाली रो में बैठता हूँ म्यूज़िक इंक्रीज करके, और फिर देखते हैं आपको कोई डिफरेंस लगता है नहीं लगता। मुझे तो ये चीज़ फील हुई, अब आप आपको देखते हैं आपको फील हुआ या नहीं हुआ। तो आई होप मैंने आपका ये म्यूज़िक वाला जो कमेंट था उस वादे को निभाया है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अगला टॉपिक मैं कौन सा कवर करूं। आई होप मैंने आपकी म्यूज़िक से रिलेटेड जो क्वेरी थी उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगर आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर के आस पड़ोस में भी रहते हैं और अगर आप जयपुर आ रहे हो तो आप वेलकम है, आप लोगों का आइएगा। प्रताप नगर में ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा करके आउटलेट है और हमारे यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, तो लेट्स हैव ए कॉफ़ी टुगेदर। चलिए ठीक है, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, कार में सीट बेल्ट लगाइए और बाइक ड्राइव करते हुए हेलमेट पक्का पक्का लगाइए।